ये इशू हमको सॉल्व करना है, ये एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद याद रखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे भारतवर्ष में जिसको हमको मानना पड़ेगा, करप्शन। हम करप्शन इंडेक्स पे वर्ल्ड के 81 नंबर पे आते, 81 नंबर पे आते याद रखिए 180 मुल्कों में से। करप्शन इतना हाई है हम सब जानते हैं, काम करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। करप्शन को कैसे डील करेंगे गवर्नमेंट, ऑफिसर्स करप्ट कैसे डील किए जाएंगे। आसाम में लोगों ने जो उनकी जिसको कहें कहानियां सुनाई ना तकलीफ की, वो कहानियां आप सुनिए सिर्फ जो मीडिया के थ्रू आ चुकी है, कैसी कैसी यातना और तकलीफ है सिर्फ ही नेम चेंज कराने में, या नेम में ई की स्पेलिंग। और मैंने तो एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ भी पढ़ा था, स्पेलिंग मिस्टेक कैन मतलब आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक तक घातक साबित हो सकती है आपके लिए, ये तक दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मिलिट्री में काम कर चुके हैं, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, उनके खानदान में लोग बड़े बड़े लीडर्स MPs MLAs और पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, उनका एक बच्चे का होगा तो एक का नहीं हुआ, पत्नी का होगा तो पति का नहीं हुआ, बच्चों में से जो है एक का हो गया तो दो का नहीं हुआ, क्या ही। तो ये करप्शन का नतीजा है, तो बेचारे कर भी नहीं पा रहे, याद रखिए। इसी तरह जो है السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔